स्वागत है आपका फिर से शुक्ला एजू गैलेक्सी में। आज हम मैथ्स के एक नए चैप्टर में चलेंगे। राह पुरानी है, चलने का तरीका अलग है। राह पुरानी कौन सी है? अब तक हम लोगों ने रेखीय समीकरण को हल करने की विभिन्न पद्धतियों को देखा। विभिन्न पद्धतियां कौन कौन सी हैं? पहले आपने उसको बराबर घर देखा है, फिर क्रैमर्स के नियम देखा है। आज हम देखेंगे कि रेखीय समीकरण को ग्राफ के माध्यम से हम कैसे उसके मान को निकाल सकते हैं। लेकिन समीकरण में जाने के पहले आपको पहले ग्राफ का सिस्टम समझना होगा, ठीक है? अब पहले ग्राफ समझ लेंगे, तब उसके बाद में हम आपको बताते हैं क्या करना है, ठीक है? अब ये देखिए, आपका ये इस प्रकार से, ये इनको हम बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस ये जो हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, उसको बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, और जो लॉन्गिट्यूडनस है, लंबवत है, उसको बोलते हैं वाई अक्ष, और जहां पर ये कटते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है? ये मूल बिंदु है। अब ध्यान ये देखना, इसमें आपके चार पार्ट बन गए हैं, 1 2 3 4। ध्यान देना, काउंटिंग आपको यहीं से करनी है। ऐसा नहीं कि चार है चाहे जांच गिन लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसको चारों भागों का नाम है चतुर्थांश, क्वार्टाइल। तो ये हो गया आपका पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है? अब इसमें आप ये देखेंगे, सबसे पहले जितने भी चतुर्थांश हैं वह एक्स और वाई अक्ष के द्वारा घिरे हुए हैं। अब ये पार्ट देखिए, इधर से एक्स आर्म है, इधर वाई आर्म है, इनसे घिरा हुआ पोर्शन ये है, हर जगह है। तो मैं नाम रख देता हूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, पहली बात। दूसरी बात ये, आप जानते हैं कि जब हम मूल बिंदु से राइट में जाएंगे, आगे जाएंगे, तो बढ़ते हुए हम पॉजिटिव वे में जाते हैं, धनात्मक होता है। जब हम मूल बिंदु से पीछे जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, तब वो नेगेटिव होता है या ऋणात्मक होता है। उसी प्रकार से जब वाई अक्ष पर मूल बिंदु से आप अपवर्ड जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो ये आपका पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ नेगेटिव होगा, ठीक है? अब इसके आधार पे जरा ध्यान देना है यहाँ पे। ये जो पहला चतुर्थांश है, ये किससे घिरा है? एक्स अक्ष से, वाई अक्ष से, एक्स और वाई। लेकिन यहां पर एक्स अक्ष धनात्मक है, वाई ऋणात्मक है, इसलिए पहले चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा, सिंबल होगा, वो होगा प्लस प्लस, ध्यान रखना। और दूसरी बात यहां ध्यान रखना, जब भी आप किसी चतुर्थांश में जाते हैं तो पहले आप एक्स को ही देखेंगे, वाई को बाद में। अब जैसे यहां पर है, पहले हम जाएंगे एक्स पर बैक, तो चिन्ह क्या मिलेगा? माइनस। फिर वाई पे जाएंगे ऊपर, चिन्ह क्या मिलेगा? प्लस। इसका मतलब सेकंड क्वार्टाइल का दूसरे चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वो होगा माइनस प्लस। ऐसा नहीं करना, पहले आपने वाई बता दिया प्लस, फिर एक्स बताया, आपको क्रम नहीं लेना है। हम इधर तो भाई यारे पहले वाई बोलो तो एक्स बोलेंगे, नहीं, पहले आप एक्स बोलेंगे तब वाई बोलेंगे। अब आइए नीचे तीसरे में, पहले आप जाएंगे एक्स पर, फिर जाएंगे नीचे वाई पर, बैक डाउन, दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब तीसरे चतुर्थांश का चिन्ह होगा माइनस, माइनस होगा, नेगेटिव होगा। चौथे में ये, पहले आप जाएंगे एक्स पर, फिर आप जाएंगे वाई पर, ठीक है? इस प्रकार से चारों चिन्ह आपने यहां पर देख लिए, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। अब इसी के आधार पे मैं अगर ये बोलूं, कुछ मैं आपको सिंबल दूंगा, कुछ चिन्ह दूंगा, ये पूछे थे, ये देखो मैंने लिखा बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है, बिंदु डी है, बिंदु ई है। अब देखना, इसका निर्देशांक 3-2 है, ये 5-3 है, माइनस ये 3-2 है, ये 0-2 है, ये 3-0 है।
अब इसके आधार पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में वन मार्क के लिए कि बताइए यह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। वेरी सिंपल, आप पहले बताइए इसका सिंबल क्या है। पहले थ्री है, प्लस है, बाद में माइनस है, मतलब प्लस माइनस। अब जरा देखिए प्लस माइनस था कहां, प्लस एक्स पर प्लस वाई पर माइनस, वो कहां है, ये है, ये फोर्थ क्वार्टाइल है, चौथा चतुर्थांश है, मतलब बिंदु ए चौथे चतुर्थांश में होगा, ये बात हम फिक्स जान गए। बिंदु बी देखेंगे, बिंदु बी में क्या है, पहले माइनस है फिर प्लस है, मतलब इसका सिंबल माइनस प्लस, माइनस प्लस। अब माइनस प्लस किसमें बताया गया था याद है, माइनस प्लस बैक माइनस अपवर्ड प्लस, ये सेकंड क्वार्टाइल है, दूसरे में है, ये तीसरा देना माइनस माइनस, तो माइनस माइनस थर्ड में था, मतलब बिंदु सी थर्ड में होगा। अलग बिंदु डी, पॉइंट डी, जीरो एंड माइनस टू, ध्यान देना यहां पे जीरो और माइनस टू कौन से चतुर्थांश में होगा, ये प्रश्न ही अपने आप में गलत है। ठीक है, अब क्यों गलत है, एक्स पर आप जाएंगे कहीं नहीं जाएंगे, एक्स जीरो यहीं पर रहेंगे, y पे कहां जाएंगे, y पे आप सीधा नीचे जाएंगे, मतलब बिंदु d y एक्सिस पर होगा, चतुर्थांश में नहीं होगा। वैसे ये आपका यहां पर x की वैल्यू दी है, y की जीरो है, मतलब ये x अक्ष पर होगा। ध्यान देना जब यहां पर इन दोनों मानों में एक का मान जीरो हो, जो जीरो हो उसको छोड़ दो, जिस का मान दिया है अगर पहला अंक दिया है तो x पर होगा, दूसरा वाई पर होगा। इस प्रकार से आप यहां पर क्या किए पहचान जाएंगे। ठीक है, अब अगली बात इसमें जो है आपको हेल्प करेगी आज के प्रश्न को हल करने में, वो ये है कि आपको बिंदु स्थापित करना है। कैसे, a का मान है p माइनस फाइव, b का मान है टू माइनस टू फोर, ठीक है, इतने देख लेते हैं। तो आप पहले देखिए आपके ग्राफ पेपर में, मैं तो यहां बराबर नहीं बनाऊंगा, आप ग्राफ पेपर में बहुत ही अच्छे से प्रॉपर्ली वहां पर बना हुआ एक एक सेंटीमीटर का, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब देखना पहले ये देखेंगे आपको बिंदु स्थापित करना है, ऐसे ग्राफ पेपर में करना पड़े, कैसे करेंगे। बिंदु ए में जो पहली गिनती है, पहला नंबर है, वो थ्री एक्स का निर्देशांक है, एक्स का इंडेक्स है, और जो दूसरा वाला होगा वो वाई का होगा। देख काम करेंगे, पहले एक्स पर आप जाइए, एक्स एक्सिस पर आपको चलना है, कितने स्टेप कितने सेमी जितना यहां लिखा गया थ्री। अब आपको ये डिसाइड करना है ये थ्री हम बैक जाए फॉरवर्ड जाए, आगे जाए पीछे जाए, दाएं जाए, ये धनात्मक है ना, इसका मतलब हम आगे जाएंगे, तो कितना वन टू थ्री। अब यहां पर मैंने निशान लगा दिया, ये हो गया थ्री। अब फिर आप देखिए वाई कितना है, माइनस फाइव, तो वाई पे जाना है, माइनस में जाना है, आप नीचे जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव, ये देखिए दोनों बिंदु आप मिल गए। अब देखना x से आप नीचे चलेंगे क्योंकि आपने y को नेगेटिव लिया, अगर y पॉजिटिव होता तो x से ऊपर जाते, x से नीचे जाएंगे ऐसे, और फिर y से हम किधर जाएंगे, इधर x है ऐसे। ये बिंदु आप चाहे तो इसको रहने दें और चाहे तो मिटा दें, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट है a, a लिख करके आप यहां लिख देंगे 3 माइनस 5। इस प्रकार से आप ग्राफ पेपर में कोई भी बिंदु क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। अच्छा, पहले से ही कोई बिंदु दिया गया है ग्राफ पेपर में और उसका निर्देशांक ज्ञात, माने निर्देशांक दिया था, बिंदु आपने ज्ञात किया, अब निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, बिंदु दिया, ये देखिए यह है बिंदु सी, हमें यह पता नहीं है कि बिंदु सी का निर्देशांक कितना है, हम पता कर लेते हैं। तो पहले इस बिंदु पर आप x की तरफ आइए लंबवत सीधा, अगर नीचे होता हम ऊपर जाते x तरफ, ऊपर नीचे जाएंगे, तो ये आप x तरफ आ गए, यहां y तरफ। अब बताइए x का कौन सा बिंदु है, ये 1 2 3 3 है और ये 1 2 3 4 है,
मतलब यहां सी का निर्देशांक पहले आप लिखेंगे x वाला 3, y वाला 4, ये आपका सी का निर्देशांक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आइए हम आपको लेकर चलते हैं आपके बुक के क्वेश्चन में, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे अच्छे से देख लेना, देख कर समझ लेना। और बस इतना आप समझ गए हैं, बस छोटा सा आप कैलकुलेशन करना है, आप कैलकुलेट करके आपको ग्राफ पेपर में उसको चेक कर देना, देखना। एक मान लो समीकरण है, समीकरण है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1 है, और एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, ये लीजिए दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इसमें आपको x y का मान ज्ञात करना, लेकिन ध्यान रखना जैसे आपने युग्मक समीकरणों को किया था उस तरह से इसको आपको नहीं करना है, इसको आपको ग्राफ सिस्टम में करना है, ग्राफ पेपर में करना है, ग्राफ पेपर में आपको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, एक काम करो, पहले इधर देखो, मैं यहां कर देता हूं, बाद में डाल दूंगा। सबसे पहले मैं इसमें डाल देता हूं, एक एक समीकरण देखना। सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे बढ़िया सा, सुंदर सा, ठीक ना। आप इसमें इस प्रकार से 5 कॉलम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और अब ऐसे 3 करेंगे, 1, 2, 3। ये है x, ये है y, यहां पर x y, ठीक है। पहले बात तो एक काम करेंगे, x में आप कोई भी मान, कोई मतलब नहीं ना, कोई सर नहीं ना, कोई भी मान जो आपके दिमाग में आ जाए वो रख लेना। ध्यान रखना इतना बड़ा मत ले लेना कि आपके ग्राफ पेपर में वो खींचने लायक न रहे, ठीक है, सीमा में लेना। अगर ग्राफ पेपर आपका बहुत बड़ा है तो ले लो भाई, लेकिन ग्राफ पेपर जानते कितना बड़ा होता है ना, उसके आधार पे 3, 4, 2, 1, 3 में रह जाना, ठीक है। अब पहले भर लो, और यहां भरते समय एकदम मनमानी, एकदम मनमानी, जो नंबर मैं भरूंगा वो आप नहीं भरना, ठीक ना, जो आप भरेंगे वो मैं नहीं भरूंगा, जो डाइजेस्ट भरा वो मैं नहीं भरूंगा, जो बुक में है वो नहीं भरूंगा, लेकिन सबका आंसर सेम आएगा, पक्का सेम आएगा। तो यहां आप मनमानी एक एक नंबर ले लीजिए, देखिए मैं ले लिया 0 ले लिया, या 2 ले लिया, या माइनस 1 ले लिया, यहां पर 1 ले लिया, चलो ये तो मैंने मनमानी ले लिया, ठीक ना, ये आप भी मनमानी लेना, ध्यान देना। अब आप क्या करना है, अब इसी समीकरण में x का मान आप रिप्लेस करके रख करके y का मान निकालेंगे, देखिए कैसे करते हैं, लिखेंगे इक्वेशन में x का मान रखने पर, आप लोग लिख देना मैंने लिख रहा हूं, ठीक है, समीकरण में x का मान 0 रखने पर, अभी देख रहा यहां रखेंगे 0, x का 0 प्लस y इक्वल टू 5, अब y इक्वल टू 5 मतलब यहां पर 5 आ गया, वाई तुम्हारा गया ना, ऐसे सब निकालेंगे आप। अब देखना अगला क्या है, अब लिखेंगे x का मान 2 रखने पर, जहां पर x है वहां 2 रखने पर, तो ये हो गया 2 प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 3, y इक्वल टू ये 2 है, 2 y इक्वल टू 3, अब यहां पर 3 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से x का मान माइनस 1 रखने पर, x का मान माइनस 1 रखने पर, अब देखना क्या मैंने लिखा था, x प्लस y इक्वल टू 5 ना, हाँ भूल गया नहीं, अब देखना माइनस 1 प्लस y इक्वल टू 5 आपका हो गया, अब पक्षांतर करेंगे y इक्वल टू 5, ये प्लस 1 हो जाएगा ना, इक्वल टू 6 हो जाएगी, आप 6 कर दिए। अब फिर क्या करेंगे, x का मान प्लस 1 रखने पर, यहां प्लस 1 कर देंगे, y इक्वल टू 5, अब 1 आप उस साइड ले जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा, आपने यहां पर 4 कर दिया, बात समझ आ गई ना। अच्छा अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां लिख लो 0 5 हो गया, 2 3 ये हो गया ना, माइनस 1 6, 1 एंड 4, ये आपका मान हुआ है, ये मान आप याद रखना, क्योंकि अभी हम ग्राफ पेपर में चलेंगे तो यही मान हम यहां पर रखेंगे, हम यहां लिख ले रहे, देखो 0, 5, 2, 3, -1, 6, 1 एंड 4, याद रखना, इसको हम ग्राफ में बताएंगे। अब इसको मैं यहां पर मिटा देता हूं,
इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर, अब इक्वेशन नंबर एक का सारा प्रश्न हो गया। अब इक्वेशन नंबर टू में, समीकरण नंबर टू का हम करेंगे, समीकरण टू क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू थ्री। अब ये देखना, 1 2 3 4 5 1 2 3 एक्स वाई एक्स वाई। आप देखना, पहले तो x का मान यहां पूरा रख दिया, और एक बात और है, अगर आपकी मर्जी हो ना तो यहां पर y का मान पहले फिल अप कर लो। अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं मैं तो y करूंगा तो y कर लो, लेकिन मैं x रखता हूं। देखो x में क्या रखूंगा, 0 3 2 1 हो गया, चलो चार हो गया। ये मन मान ही रखना, कई बार बता दिया, बार बार नहीं करना ना। अब देखो मान रखो, लिखोगे समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, ये देखना 0 माइनस वाई इक्वल टू थ्री, हुआ 0 मतलब कोई नहीं, माइनस वाई इक्वल टू थ्री, तो y इक्वल टू माइनस थ्री हो गया। ये देखने माइनस थ्री, 0 माइनस थ्री हो गया। चलो अब क्या करेंगे, अब y x बराबर थ्री रखेंगे, ये देखना x माइनस वाई इक्वल टू थ्री, 3 माइनस वाई इक्वल टू थ्री, ठीक है, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस थ्री, माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0, तो आप यहां 0 रख लेंगे, 3 0 हो गया ना। अच्छा अब नेक्स्ट है, आपको यहां पे 2 रखने पर x माइनस वाई इक्वल टू 3, 2 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 2, माइनस वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू माइनस 1, आप यहां माइनस रख देंगे। अच्छा अब ये रखिए 1, 1 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3, ये जाएगा इधर माइनस 1, माइनस वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू माइनस 2। अब यहां देखिए 3 0 2 माइनस 1 1 माइनस 2, ये देखिए इतने मार्क आपके यहां पर आ गए। चलिए हम इसको भी यहां मिटा देते, यहां लगा लेते हैं, कितना मान आया इसका, 0 माइनस 3 3 0 2 माइनस 1 1 माइनस 2। इसको याद रखना, इसको हम ग्राफ पेपर में लेकर के आपको बताते हैं इसको कैसे करना है। आइए देखते हैं आपके सामने ग्राफ पेपर क्या है, ग्राफ पेपर आपका ये। तो अब तक आप लोगों ने देखा कि किसी समीकरण से हम बॉक्स कैसे बनाएं। अब जब वो बॉक्स आपका तैयार हो गया, आप सीधे आएंगे अपने ग्राफ पेपर पर, जैसा आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा। अब इस ग्राफ पेपर में हम कैसे ग्राफिंग करेंगे, कैसे एक्स वाई का मान निकालेंगे, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें एक्सिस खींचिए, अक्ष खींचिए। अब अक्ष कैसे खींचेंगे मैं आप बता रहा हूँ। पहले आप एक एक्स एक्सिस खींच लीजिए, यहाँ से सीधा सीधा खींच लीजिएगा लाइन पर, वैसे आप खींचना पड़ेगा पेंसिल से, वहाँ पर मैं पेंट कर रहा हूँ। ये हो गया एक्स अक्ष। अब आपको सीधा खींचना है वाई अक्ष। आप जरा वाई अक्ष देखेंगे कि हम कैसे खींचते हैं यहाँ पर, ये देखिए इस प्रकार से आप वाई अक्ष खींच लेंगे पूरा नीचे तक। अब आपका ये तैयार हो गया, यहाँ पर आप लिख देंगे एक्स, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई, ठीक है। अब मान रखना है, मान रख कर देखिए, आपने बॉक्स में देखा होगा पहला मान था आपका 0 और 5, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर हम 0 जाएंगे और वाई पर 5 जाएंगे, वो इस प्रकार से आप बनाएंगे। देखिए ये आपका हो गया यहाँ पर एक्स एक्सिस, देखिए थोड़ा सा मैं रंग यहाँ पर चेंज करता हूँ, अच्छा रहेगा आपको देखने के लिए। ये एक्स एक्सिस 0 ही रह जाएगा। अब वाई पे आपको 5 जाना है, देखिए 5 कहाँ है, 1 गिन लीजिए, 1 1 2 3 4 5, ये है, ये जो ऊपर सबसे पहले आप बिंदु लगा है ये आपका है। क्या याद रखना, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, दिखेगा नहीं साफ। आप देखिए अपनी कापी में यहाँ लिखेंगे 0 5 जो बिंदु है। अब दूसरा बिंदु आपने देखा होगा 2 और 3 का, मतलब एक्स का निर्देशांक प्लस 2, वाई का प्लस 3। पहले एक्स पर जाइए, देखिए दाएं तरफ यहाँ से
वन टू, ये टू हो गया, वाई का प्लस थ्री है ऊपर जाएंगे वन टू थ्री। अब दोनों देखिए यहाँ पर आएंगे, यहाँ यहाँ ये बिंदु आपको यहाँ मिलेगा, ये देखिए दूसरा बिंदु मिल गया, पहला बिंदु दूसरा। अब तीसरा बिंदु देखिए माइनस वन एंड सिक्स है, माइनस वन मीन्स एक्स में माइनस वन आप यहाँ आएंगे और वाई में सिक्स कहाँ जाएगा, सिक्स काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पर है, यहाँ सिक्स है, थोड़ा आगे आएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा। तो अब एक काम कीजिए, इन तीनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए एक रेखा, सीधी रेखा से, कैसे मिलाएं मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे सीधा मिलाना थोड़ा सा, ये आपकी एक रेखा बन गई। अब इस रेखा के बन जाने के बाद आप अगले बॉक्स का करेंगे, जैसे आपने दो बॉक्स बनाया था ना, दूसरे बॉक्स में आइए। तो दूसरे बॉक्स में पहला आप जाकर देखिए पीछे, जीरो माइनस थ्री है मीन्स एक्स पर जीरो वाई पर माइनस थ्री, मैं नीचे आएंगे कहाँ आएगी काउंट कर लीजिए वन टू थ्री यहाँ पर होगा ये बिंदु, ये देख लिए यहाँ पर। अब दूसरा बिंदु था थ्री एंड जीरो मीन्स एक्स का निर्देशांक थ्री वाई का जीरो, कहाँ एक्स पर जाइए वन टू थ्री वाई जीरो, अब यहाँ पर आपका बिंदु हो जाए, ये देखिए बिंदु लगा दिया यहाँ पर ना, दो बिंदु हो गए, एक और ले लेते हैं टू माइनस वन, टू एक्स पर ये है टू एक्स पर ये और वाई पर माइनस वन वन यहाँ आएंगे, ये देखिए। अब तीन बिंदु आपको दिख रहे होंगे, मैं फिर से आपको रेड कलर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब इसे आपको करना क्या है, एक लाइन खींच देनी है यहाँ से, देखिए थोड़ा पीछे लेना ऐसे, ऐसे बस ये हो गया। अब देखना, अब इसका हमें आंसर निकालना है, जहाँ पर दोनों लाइन मिली हुई है, जहाँ पर मिली हुई है वहीं से पहले आप नीचे आए, यहाँ मिली ना, यहाँ नीचे आइए, कहाँ यहाँ पहुँच गए, ठीक है कहाँ पहुँच गए, जरा काउंट कीजिए वन टू थ्री फोर, माने ये फोर है आपका, ये क्या है फोर है, और यहीं से जरा वाई पे आइए, इधर वाई कहाँ जा रहे हैं वन, इसका मतलब एक्स निर्देशांक फोर हुआ वाई वन हो गया, आपका आंसर हो जाएगा ऐसे, क्या हो जाएगा फोर एंड वन, ये आपके एक्स वाई का मान हो गया। इस प्रकार से आप हर ग्राफ पेपर में जा करके हल करके इसको निकाल सकते हैं। ये ग्राफ पेपर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।